गुड मॉर्निंग कैसे आप आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो ये दो पार्ट में वीडियो आई है मेरी एक पार्ट मैंने आपको मतलब पहुंचा दिया है वीडियो बहुत लंबी थी इसलिए हमने दो पार्ट में दी तो यहाँ पर ये दूसरा पार्ट है जो आप देख रहे हैं तो हमने जो भोग लगाई थी केला पूजा करके तो हमने अब बना लिया उसका बनाना सीख तो ये केला साथ के साथ अगर आप नहीं, नहीं ख़त्म करोगे ना तो ये ख़राब हो जाएंगी क्योंकि गर्मी हो रही है उमस उमस हो रही है घर में अंदर से लेकर बाहर तक और मतलब रहना बड़ा मुश्किल हो रहा है अगर आप पंखे कूलर में तो ही रह पाओगे तो यहाँ पर हमने आम कट कर लिए आम रस बना कर रख देंगे आम रस पियेंगे दो घंटे बाद और अब हमने ये जो केला रखे हैं चार इसका भी बनाना सेख बनाएंगे और अब थोड़ी सी चाय लेट बनाएंगे पहले बनाना सेख पी लेंगे तो बस फ्रेंड्स जिसे एक बात और शेयर कर दूं जिसे जैसे मतलब बढ़ती रह रहे हो ना तो जिसे नमक का खाना हो तो वो नमक का पहले सोमवार से ही पकड़ सकता है आज ही बोल दो मतलब सोमवार के व्रत में हम जो है नमक व्रत वाला नमक डालेंगे और अगर जो है आपको अलूने रखने हैं तो आप अलूने रख व्रत में अलू खाने की मतलब बोल दो कि हमें ये अलूने वर्त रखने हैं। और महीने में चार व्रत आते हैं और आपके चार व्रत तो ऐसे ही चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा लेकिन मैंने नमक का रखा है क्योंकि मैं ऐसी मेरी मम्मी थी मेरी मम्मी को बिना नमक के मतलब खाने से नहीं खावे ना तो उन्हें घूमना हो जावे ऐसे ही सेम मेरी आदत है मुझे जैसे सिर घूमने लगा है अगर मैं नमक का नहीं खा पाती पूरे दिन में मीठा ज़्यादा मैं खा नहीं पाती हूँ मीठे से है दिक्कत मुझे तो इसमें जैसे कि ये जूस मीठा हो गया चाय मीठी हो गई और अब बनाना सेक मीठा हो गया मतलब इन चीज़ों से थोड़ी सी मुझे दिक्कत होती है तो मेरी तबीयत खराब जाती है इसीलिए मैंने यहाँ पर व्रत वाले आलू बनाए हमने और आलू व्रत वाले बनाने के बाद हमने जो है यहाँ पर शाम के समय हमने पराठे बनाए और आलू टमाटर की सब्ज़ी व्रत वाली और दही ले ली खीरा ले लिए तो उससे हमने अपना व्रत खोला और तन के पापा को भी मैंने वही चीज़ दी और गाय के लिए भोग भी लगा दिया था एक एक पराठे का चीनी डाल के यहाँ पर हमारा बनाना सेक भी रेडी है और ये मैं पहले ही आपको बता रही हूँ क्योंकि अभी तो मैं आवाज़ दे रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी शुरू में ही बोल दूँ ऐसा होता है ना जब आप वीडियो बना रहे होते तो और अब जो है सोमवार के जो सावन तो लगेगा तो सावन के सोमवार में यानी शुरू के सोमवार से ही आज सोमवार है तो हमने पहले दिन से ही हरी चूड़ी डाल ली है और ये चीज़ें आपको वीडियो में बताने में ये फ़ायदा लगता है मुझे कि हम आपसे रूबरू बात करते हैं यानी साम आमने सामने आप मुझे देख रहे हो जब आप मुझे वीडियो में देखोगे तो मैं आपको कुछ बता रही हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है शुरू शुरू में लगती है चक्सी जब वीडियो बनाते हैं लेकिन बाद में आदत डल जाती है वीडियो बनाते बनाते तो यहाँ पर एक मैंने लाल चूड़ी डाली बीच में और बाकी मैंने हरी डाली है तो ये होती है हरियाली तीज तो हरियाली तीज यानी सावन लग चुका है तो हरी चूड़ी पहनो जरूर थोड़ी ज़्यादा ना पहनो तो एक ही दो दो जरूर डालो तो चलिए भाई हरियाली तीज को सभी की ढेर सारी शुभकामनाएं क्योंकि इस बीच में भी जो है तीज भी होती है तो फ्रेंड्स यहाँ पर अपनी चूड़ी पहन लेंगे और इसी तरह जैसे सजना सँवरना जिसे जैसे पसंद हो वो वैसे कर सकता है जीवन में कुछ पल आप अपने लिए भी जी मतलब जिए ये ना है कि हम जो फैमिली के ही लिए ही जीते रहे मेरी आदत ऐसी थी जब मैं आई आई थी ना तो मेरी सेम मेरी मम्मी की आदत ऐसी ही कि कोई भी किसी काम को जैसे हमारी दादी कह दो चाची कह दो ताई कह दो हमारी मम्मी कह ठीक है मैं कर दूँगी ठीक है या चीज़ें ले जा हैं कोई सामान होगा तो उसको मना ना कहकर मम्मी अपने पास से जैसे जो चीज़ चाहिए दे रही और मेरी मम्मी के पास जैसे मेरी मम्मी ना चार बहनों चार भाई थे मेरी मम्मी के और एक बहन मेरे मेरी मम्मी है चार भाइयों में एक अकेली बहन तो सब उन्हें प्यार कह रही समय पूर्व मेरी मम्मी का समय पूर्व दिल्ली में है मेरी मम्मी तो दिल्ली की है मेरी मम्मी और एकदम मतलब शहर है वहाँ पर मार्केट एरिया बहुत ही सुंदर गांव है और अच्छा भी लगता है मामा भी हमारे बहुत सब प्यार करते हैं और आजकल के मामा इतना प्यार नहीं करते होंगे लेकिन जितने हमारे मामा हमें करते हैं आजकल कोई किसी पे गौर नहीं देता है बस एक दूसरे से मतलब होता है ना कंपटीशन वो चलता रहता है बच्चे से भी कॉम्पिटिशन करने की कोशिश करते हैं आज कल, है ना तो बस वो सब चीज़ें नहीं अब तो पहले जैसी कोई बात ही नहीं है किसी में भी पहली वाली भाभी कितनी अच्छी हो गई अब की कोई भाभी में इतनी मतलब मिठास नहीं है बोल चाल नहीं है लेन देन नहीं है कि आप उनके अब जैसे मैंने मम्मी से सीखा हम तो सबके लिए करते हैं लेकिन उतना कोई हमारे लिए नहीं कर पाता जितना हमने उनके लिए सोचा था तो बस जैसे मैं ससुराल में आई हूँ तो यहाँ पर बिल्कुल भी एकदम बढ़िया परिवार नहीं मिला हमें और ऐसे ही है बस अपने घर से मतलब रखो और अपने काम से मतलब रखो क्योंकि हमारा फ़ायदा सबने उठाया लेकिन जब हमारी बारी आई तो हमारा काम किसी ने नहीं करा आ, ये बढ़ती हूँ मैं मन से बोल रही हूँ जो मैंने मेरी माता पिता से सीखा ना कि किसी से किसी चीज़ को मना नहीं करना किसी से किसी के काम को मना नहीं करना लेकिन मम्मी ये ना पता हो कि जो ससुराल में हालत होती है ना हर बेटी मतलब मम्मी पता है मम्मी ने हमें समझाया भी हो कि बेटा कोई बात ना है जो होएगा ऊपर वाला सब देख रहा है तुम्हारी भी बाहर आएगी तुम्हारे भी दिन आएंगे लेकिन वो ये है कि जब तक तुम अपने आप अपने बारे में बोलोगे नहीं ना वो सफ़र आप जो है ऐसे ही तय करते रहोगे तो यहाँ पर हमने जूस बना लिया और देखिए अगर मैंने काम कराया ना तो वो आपको दिख भी रहा है तो ज़िंदगी मेरी क्यों आसान हो जाती है काम करने से मैंने सिलाई करी अपनी मशीन मेरी शादी की मशीन मैंने चलाई उससे पैसे आए भैंस रखी दूध से घी निकला दूध हुआ दही हुई उससे हमने कितना सारा सुख बरता यानी मैंने मेरी बहन ने अच्छे से अपना दूध वूध पिया खाया पिया बच्चों को खिलाया उनकी परवरिश अच्छी करी तो आज हमारे बच्चे हसप और बहुत ही बढ़िया हैं तो इसी तरह भोलेनाथ की कृपा आप सब पर भी बनी रहे मेहनत करते रहिए हैप्पी रहिए है, खुश रहिए तो कुछ बातें मैंने अपनी आपको पीहर की बताई कुछ थोड़ी सी बातें मैंने यहाँ की बताई क्योंकि जीवन है सबका ये अगर हम अपने अंदर ही लेकर चले जाएंगे ना तो सब यही मतलब किसी को ना किसी की खबर पड़ेगी ना कोई किसी के बारे में जानेगा तो ये वीडियो भी बड़ी अच्छी चली है कि हम आपको अपने बारे में बता पा रहे नहीं तो कुछ लड़कियां जो पहला टाइम था ना वो भी सेम ही टाइम था लेकिन कुछ लड़कियां अपने बारे में बता नहीं पाती थी हमेशा घोट के अंदर ही अंदर रह जाती थी लेकिन अब थोड़ा सा बदल गया माता पिता को पहले भी दर्द ऐसे ही होता था और अभी भी दर्द ऐसा ही होता है अपनी बेटियों के लिए क्योंकि बेटी जाती है अगले घर इसीलिए उसे चिंता होती है कि घर पता ना कैसा मिलेगा बेटी है मेरी बेटी कैसे रहेगी उसे कोई अच्छी तरह रखेगा कि नहीं रखेगा क्योंकि घर से हर कोई अपनी बेटियों को सिखा के भेजता है अब तो ऐसा करते हैं पढ़ाई कर रही है लड़कियाँ या लड़के पढ़ाई कर रहे हैं तो उन्हें काम ही ना सिखाते कि भाई ना अगले घर कर लेंगी अगले घर सीख लेंगे लेकिन अपने घर से ही उन्हें तैयार करो मेरी मम्मी ने तो मुझे अच्छे से मतलब मेरी मम्मी ने अच्छे से मुझे तैयार किया मुझे खाना बनाना सिखाया साफ़ सफाई सिखाई दूध काटना सिखाया बिटोड़ा रखना सिखाया कह यहाँ से चतु कुछ मत करियो अगला घर काम करने को मिले ना मिले पर यहाँ थोड़ा थोड़ा सब चीज़ सीख लो तो मैंने पढ़ाई भी सीखी कढ़ाई भी सीखी बुनाई भी सीखी सिलाई भी सीखी और जो हमारा रजनी टेंट कैटरस देख रहे हैं ना आप तो अगर किसी को भी ऑर्डर करना हो तो एक मूर्ति के पास मेरे जो लड़का का ऑफिस है तो आप उनसे यहाँ पर जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं एक मूर्ति आके चार मूर्ति एक मूर्ति है ग्रेटर नवेड़ा में तो फ्रेंड्स इसी तरह जो है लाइफ चल रही है बड़ी बढ़िया और बड़ी अच्छी तो इसी तरह खुश रहिए हैप्पी रहिए है, भोलेनाथ की कृपा आप पर बरसती रहेगी लेकिन मेहनत करने से मैंने मेहनत करी है तो वो सो आपको भी दिखाई दे रही है मुझे भी दिखाई दे रही है यहाँ पर बढ़िया सी टेस्टी सी आलू टमाटर की सब्जी व्रत वाली धनिया डाल दिया हमने इसमें और पराठे खाए तो पापा का फोन भी आ गया कि मैं बढ़ती हूँ और मेरे लिए भी जो है खाना बना ली तो हमने दो खीरा काट लिए हैं आलू टमाटर की सब्जी बना ली है और रिफाइंड के मैंने पराठे बना लिए तो सब कोई भोग लगाने के लिए सबसे पहले तो भगवान जी को लगाया फिर गऊ माता को एक एक पराठा देना पड़ता है जब वरती होते हैं तो सब ने खाना खा लिया अच्छे से और साढ़े आठ बज रहे हैं काम भी फ्री हो गया यहाँ पर हमने मनी प्लांट लगाया था तनिषा ने तो वो हमने यहाँ पर लगा दिया तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ये बढ़िया सी हमने दही जमाई और दही मैंने जो है सारी दूध की जमा दी कि शाम को अच्छे से एक एक कटोरी दही ले लेंगे और ठंडी भी रहती है तो आप जब बढ़ती हो तो शाम को भी ले सकते हैं वैसे शाम को मना करते हैं कि शाम को दही नहीं पीनी चाहिए लेकिन व्रत में ज़रूर पिए क्योंकि ये तो व्रत है तो व्रत में तो लेना पड़ता है तो भाई खाना बहुत टेस्टी बना तो भोलेनाथ की कृपा खाने पर ऐसी बरसी के स्वाद आ गया बहुत ही बढ़िया बेहतरीन व्रत निकला हमारा तो बस अब मेरा मन कर रहा है कि अगला तो रहूँगी जोड़ा तो आगे भी देखते हैं आगे भी रहेंगे और यहाँ पर बाल बिल्कुल टूट गए गर्मी की वजह से और फ्रेंड्स वीडियो को से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें और फ्रेंड्स बेल आइकन को क्लिक जरूर करें क्योंकि बेल आइकन जो है क्लिक करेंगे तो आपको मेरी वीडियो ऐसी रोज़ मिलती रहेंगी यहाँ पर बाहर सब खाना खा रहे हैं और हमने यहाँ पर खाना ले लिया है तो खाना इतना टेस्टी बनना बहुत ही स्वाद तो फ्रेंड्स आपके बिल्कुल भी पैसे नहीं लगेंगे अगर आप मेरी वीडियो को शेयर कर दोगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है उसे सब्सक्राइबर कर दोगे तो आप दो मिनट लगेंगे एक सेकंड में आप अपना फ़ोन खोलिए और वीडियो को जो है क्लिक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपस में शेयर करना ना भूलें तो फ्रेंड्स इसी तरह एक दूसरे का सपोर्ट रहेगा एक दूसरे का साथ रहेगा तो ही तो हम आगे बढ़ेंगे और यही है लाइफ पहले भी और यही लाइफ है अब और फ्रेंड्स लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जैसे मैंने किसी के कपड़े सिले और मैं आगे बढ़ी पैसे आए तो हमने बच्चों का पालन पोषण किया पढ़ाई लिखाई करवाई इसी तरह साथ देते रहिए हैप्पी रहिए है, खुश रहिए बाय बाय फ्रेंड्स